हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो का टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। बहुत बार ऐसा होता है बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, सो ये बेसिकली उसी के लिए एक वीडियो है ताकि उनका जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर हो सके कि असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से उन ऑर्डर्स में लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें मेंशन है असेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह जाते हैं, मतलब छोटे से बड़े होते हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे होते हैं। तो इसी को याद करने का एक सबसे बेस्ट वे ये है कि अगर बच्चे सिर्फ ये ध्यान रखें कि असेंडिंग ऑर्डर जो है वो हमारे एरोप्लेन की तरह, जिस तरह एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है उस तरह छोटे से बड़े में जाते हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर उसी के अपोजिट होते हैं, इट मींस ऊपर से नीचे आते हैं। सो अब इसको करते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है, वो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर, 2 डिजिट के एग्जांपल्स लेकर बताऊंगी कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका छोटा है, कौन सा बड़ा है और उनको ऑर्डर में किस तरह लगा सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में मेंशन करना है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि असेंडिंग ऑर्डर को और डिसेंडिंग ऑर्डर को किस तरह बच्चे याद रख सकते हैं, इट मीन्स एरोप्लेन के नेम से वो याद रख सकते हैं कि किस तरह एरोप्लेन नीचे से ऊपर जाता है, बट वही चीज़ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि एरोप्लेन नीचे से ऊपर तो जाता ही है बट ऊपर से नीचे भी आता है। तो हमें कैसे याद रहेगा कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है एंड कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है? सो इसके लिए बच्चे को सिर्फ ये ध्यान में रखना होगा कि जिस तरह असेंडिंग ऑर्डर हमारा ए से शुरू होता है, एरोप्लेन भी हमारा ए से शुरू होता है, एंड सेकेंडली जब भी हम एरोप्लेन की बात करते हैं हम उसका सिंबल यूं शो करते हैं, कभी भी हमने एरोप्लेन को इस तरह शो नहीं किया है। सो उनको जस्ट ये याद रखना है, जिस तरह हम हमेशा यूं उड़ते हुए एरोप्लेन को दिखाते हैं, इट मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए दिखाते हैं, उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में भी नंबर्स नीचे से ऊपर जाते हैं, इट मीन्स छोटे से बड़े होते हैं। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कितने कितने डिजिट्स वाले सभी नंबर्स हैं, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी नंबर्स जो है ऑलमोस्ट 2 2 डिजिट्स वाले हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, ये एक 1 डिजिट का है, देन अगेन 2 डिजिट का है। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कितना नंबर ऑफ डिजिट वाले यहाँ पे नंबर्स अवेलेबल हैं, और जो नंबर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट वाला होगा, इट मीन्स जिसकी डिजिट सबसे ज़्यादा होंगी, हमें बाकी के सभी नंबर्स को भी उतने ही डिजिट का बनाना होगा। जैसा कि ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, बट ये 1 डिजिट का है, सो हमें इसे भी 2 डिजिट का करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जस्ट इसके आगे यहाँ पर एक नंबर लगाना होगा 0। अब ये नंबर भी 2 डिजिट का हो गया है। अब हमें आंसर करते हैं इसका। ये था हमारा सबसे पहला स्टेप जो हमें करना था। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये देखना है अब कि इसमें सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा स्टार्टिंग में। इट मीन्स जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि 10th प्लेस पर कौन सा नंबर ऐसा है जिसके 10th प्लेस पर सबसे छोटा नंबर है, बिकॉज हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो हम सबसे छोटा नंबर वाला सबसे पहले लिखेंगे। इसी का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, पर मैं अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर बता रही हूँ, तो हम सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे छोटे में 0 है, तो अगर 0 है इट मीन्स हमारा सबसे फर्स्ट नंबर जो होगा वो ये होगा 09। नेक्स्ट
जीरो से बड़ा वाला कौन सा है? वन, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 14। वन से बड़ा फिर कौन है? टू, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 21। टू से बड़ा कौन सा है? देन थ्री, तो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा 32। उसके नेक्स्ट हमारा हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 46। इस तरह हम अपना असेंडिंग ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल था जिसमें सभी के टेंस प्लेस अलग थे, डिफरेंट थे। अब अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक या दो नंबर्स के टेंस प्लेस सेम निकलाए, जैसे कि हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं टेंस प्लेस पे, इस पर भी 4 है एंड इसमें भी 4 है, टेंस प्लेस में इसमें भी 2 है एंड इसमें भी 2 है। अब इस सिचुएशन में हम कैसा पता लगाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? सबसे पहले हम प्रॉपर अपने उन्हीं स्टेप के हिसाब से स्टार्ट करते हैं जैसे हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन किया था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबके नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने कितने हैं। ये 2 डिजिट्स का है, ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है एंड ये भी 2 डिजिट का है। इट मीन्स हमें किसी को भी डिजिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डिजिट हमें किसी भी नंबर की नहीं बढ़ानी है, सब 2-2 डिजिट के नंबर्स हैं। अब सेकंड चीज़ हमें ये देखनी है हमारा आंसर करते वक्त कि सबसे छोटा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है, टेंथ प्लेस पे सबसे छोटा नंबर किस में है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है एंड ये 1 है। इसका मतलब 1 वाला जो है वो सबसे छोटा है। तो अब हमारा सबसे पहला नंबर हो गया 18। 1 के बाद वाला कौन सा होगा? 2, इट मीन्स 23 या फिर 20। अब हमें ये देखना है ये दोनों में ही टेंस प्लेस 2 है, तो कौन सा नंबर होगा जो पहले आएगा और कौन सा बाद में होगा। अब जब हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है जिसमें टेंस प्लेस सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, हम वंस प्लेस चेक करते हैं। अब इस सिचुएशन में इन्हीं दोनों का सिर्फ, क्योंकि ये दोनों में से ही कोई हमारा नेक्स्ट नंबर आने वाला है, तो हम इन्हीं दोनों के वंस प्लेस चेक करेंगे। इसका वंस प्लेस है 3 एंड इसका है 0, तो दोनों में से कौन सा छोटा हुआ? 0 वाला। सो हमारा नेक्स्ट नंबर आएगा 20, उसके बाद आएगा 23। अगेन अब हमारा जो नेक्स्ट आना चाहिए 2 के बाद वाले में, वो है 4 के, और ये दोनों ही 4 वाले हैं, दोनों के टेंस प्लेस पे 4 है, तो हमें इसका भी वंस प्लेस चेक करना पड़ेगा। मीन्स इसके वंस प्लेस पे है 6 और इसके वंस प्लेस पे है 1, तो छोटा वंस प्लेस है इसका, तो ये आएगा पहले 41, देन आएगा 46। ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से हम आगे अपने 3 डिजिट के, 4 डिजिट के या कितने भी डिजिट्स के हमारे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर हों वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये था असेंडिंग ऑर्डर का। अब हम लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के एग्जांपल्स को। ये हमने लिया है एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एग्जांपल, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो हमें सेम वे में जैसे पहले हमने असेंडिंग में चेक किया था नंबर ऑफ डिजिट्स के, किसकी कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, पहले हम वो चेक करेंगे। ये है 2 डिजिट का नंबर, ये भी है 2 डिजिट का नंबर, ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का एंड ये है 3 डिजिट का नंबर। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट वाला नंबर जो है इसमें वो है 3 डिजिट वाला। सो हमें क्या करना होगा, पहले सभी को 3 डिजिट का नंबर बनाना होगा, और सबको 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें सभी के आगे स्टार्टिंग में एक 0 ऐड करना होगा, जिससे ये सभी 3 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। जैसे इसके आगे 0 0 0 0। अब इससे क्या हुआ, ये सभी के सभी नंबर 3-3 डिजिट्स के हो गए हैं।
अब हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो हम सबसे पहले बड़ा नंबर चेक करेंगे, क्योंकि ये 3 डिजिट वाले नंबर्स हैं तो इसमें हमें हमारा 100th प्लेस चेक करना होगा, 10th प्लेस चेक नहीं करना होगा। जैसा मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर के टाइमिंग पे भी बताया था, हमें सबसे पहला नंबर स्टार्टिंग का नंबर चेक करना होता है। सो इसमें ये 100th वाला है, 3 डिजिट वाले हैं, सो हम इसमें 100th प्लेस चेक करेंगे। जैसा हम देख सकते हैं इसका 100th प्लेस 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, ये 100th प्लेस जो है वो 2 है। इट मीन्स ये सबसे बड़ा नंबर है हमारा। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो हम सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, 258। नेक्स्ट, अब हमने 2 वाला तो कर लिया जिसका 100th प्लेस 2 था। अब इससे छोटा वाला नंबर कौन सा हो सकता है? सभी के 100th प्लेस पे 0 है अब। तो अब जब 100th प्लेस 0 है तो हमारे पास ऑप्शन रहा 10th प्लेस देखने का। 100th प्लेस सेम है तो अब हम 10th प्लेस से चेक करेंगे। 10th प्लेस में इसमें है 6, इसमें है 5, इसमें है 7 एंड इसमें है 6। सो बड़ा वाला 10th प्लेस कौन सा हुआ? 7 वाला। सो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे हमारा 78। ठीक, अब 7 के बाद 7 से छोटा वाला नंबर कौन सा है इसमें? अब 7 से छोटे में आएगा हमारे पास 6 वाला। ये है 63 एंड ये है 68। अब इसका तो 10th प्लेस भी सेम हो गया है हमारा। जब इसका 10th प्लेस भी सेम है तो अब हम इसके 1s प्लेस को चेक करेंगे। इसके 1s प्लेस पे है 3 एंड इसके 1s प्लेस पे है 8। तो किसका 1s प्लेस बड़ा है? 8 वाला। तो हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट नंबर में और उसके बाद लिखेंगे हम ये वाला। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा रह गया? 6 वाले के बाद लास्ट बचा ही हमारा ये है जो है 5 वाला। तो हम लास्ट में लिखेंगे इसे। तो हमारा फॉर्म क्या बना, हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या बनी इसकी? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास आया 258, देन 78, देन 68, देन 63 एंड देन 57। इट मीन्स ये वाला नंबर सबसे बड़ा है और ये वाला नंबर सबसे छोटा है। इस तरह से हमें हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर्स लिखने होते हैं। ये एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।